हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो पेरिन और हेल्डन की थ्योरी को स्टार्ट किया था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, या हम बोल सकते थे केमिकल थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी को पढ़ा था। जो जहां तक मैंने अभी तक बात किया उसमें मैंने बताया कि जो है वहां पर एटॉमिक फेज आया जिसमें एटम्स थे। एटॉमिक फेज आने के बाद में वहां पर सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, और सिंपल मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में वहां पर देखा गया कि वही मॉलिक्यूल कंबाइंड होके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बने। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ जिससे सुगर बनी, ग्लिसरॉल्स बने, फैटी एसिड्स बने, प्यूरीन बनी, पैरामिडीन्स बनी और अमाइनो एसिड्स वगैरह बने। अब क्या हुआ, अभी बहुत हॉट इन्वायरमेंट था तो वहां पर क्या हुआ, टोरेंशियल रेनफॉल हुआ और कूलिंग हो गया, कूलिंग इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वाटर जो था पूरा नीचे आ गया। और टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर के साथ में नीचे आए और जहां पर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जगह पे गिरे और उसको हमने क्या बोल दिया, ओशियन बोल। तो यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल सोर्स भी मैंने बोला था कि काम कर रहे थे, वो कौन कौन से थे, तो मैंने बताया था सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग, हाई एनर्जी रेडिएशन, है ना। लेकिन अभी तक भी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब इस बात को जेबी हेल्डन ने 1920 में बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी के ऊपर जो है ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें जो केमिकल्स आए वो एज अ सोप की तरीके से दिख रहे थे, और जो सूप दिख रहा था उसको उन्होंने नाम दिया प्रीबायोटिक सूप। जेबी हेल्डन का एक बेहतरीन जो बात था वो हमने सुना 1920 में, और उन्होंने बताया कि जो ये सारी बातें हैं उसको क्या बोला, उन्होंने एक लाइन में बोला कि इट इज द प्री बायोटिक। और दूसरा नाम इसको दिया हॉट डाइल्यूटेड सूप, यानी कि अभी भी जो ये पानी भरा हुआ था एक पर्टिकुलर जगह पे, ये मान लिया हमने जो टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से जो ओशियंस बने थे इनमें जो केमिकल्स थे, ये केमिकल्स थे ऐसे जैसे हम सूप पीते हैं तो उसमें जो वेजिटेबल्स का जो है आप देखते हो कुछ चीजें पड़ी होती हैं, तो ये सूप। तो इन्होंने बोला कि जो सूप लाइक ब्रॉथ है, केमिकल है, ओशियंस में बन रहा है ना, उसी से लाइफ अपियर हुआ। तो ये जो थे ये क्या थे, दीज आर द केमिकल्स। तो एक लाइन उन्होंने बोली थी वो मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ आपको, उन्होंने क्या बोला था कि सूप लाइक ब्रॉथ कुछ नहीं है, एक न्यूट्रिटिव मीडिया है जिसमें सारे जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज के केमिकल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसी को बोला गया ब्रॉथ। सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ केमिकल्स फॉर्म इन ओशियंस ऑफ The early form which living cells are appeared। इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो है जेवीएस हेल्डन ने कि यहां पर हॉट डाइल्यूटेड फॉर्म में लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी जो है वो भी आपको इस बात को दिखाती है कि किस तरीके से जो है फॉर्मेशन हुआ जो है अर्थ पे, है ना। तो देखिए एक लाइन दिया है आपको पेज नंबर 127 पे, और उसमें उन्होंने क्या बोला है तो समझते हैं हम लोग। यहां पर बोला है उन्होंने सबसे लास्ट लाइन में
the first non-cellular, the first non-cellular forms of life, forms of life could have originated 3 billion years back या ago, यानी कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 3 billion years पहले, और वो जो सेल्स थी वो कैसी थी, नॉन सेलुलर टाइप की थी, क्लियर है बात। तो उनको हमने देखा 3 billion years ago जो है उनका फॉर्मेशन। अब एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी में, वो बोलता है, दोनों लाइन में जब आप पढ़ोगे साथ में तो बड़ा कंफ्यूजन मिलेगा आपको। दूसरी लाइन बोलती है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। है ना, तो 500 मिलियन ईयर्स के बाद में लाइफ अपीयर हुआ जब अर्थ बन चुका था। और अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नियर अबाउट कितना 4 से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि अर्थ बन गई 4.5 बिलियन ईयर्स में बैक अगर हम जाएं, और उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर द अर्थ बनने के बाद में आफ्टर द 500 मिलियन ईयर्स क्या हुआ, लाइफ अपीयर हुई पर्टिकुलर अगर हम देखें अर्थ को। तो एक बहुत ही मतलब यहाँ पर चीजों को काफी टाइम टेकिंग बताया गया है, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन एज सच जैसा कि प्रूफ दिया गया है इन सब थ्योरीज के बारे में, तो आई होप हाइपोथेटिकली सही ही है वो, उसी को हम लोग पढ़ते चले आ रहे। ये लाइन दोनों समझ में आ गई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हेल्डन ने जो बात बताई थी इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था सिडनी फॉक्स, उन्होंने एक डिमोस्ट्रेशन दिया और बोला कि ड्राई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल की चेन सिंथेसाइज होती है, ऐसे ही फैटी एसिड से फैट्स बनते हैं, और उन्होंने बताया इस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए उनकी बात भी हम यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो जब फॉर्मेशन ऑफ आप बात करोगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जब बात करोगे, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करोगे, इसकी बात करोगे, जब मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बच्चों मैक्रो मॉलिक्यूल, देखिए समझते हैं इसको। जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडनी फॉक्स या SW फॉक्स, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया और क्लेम किया कि प्रोटीन जो है कैटालिटिक सिस्टम है, कैटालिटिक सिस्टम है, और ये मस्ट हैव डेवलप बिफोर न्यूक्लिक एसिड एंड रेप्लिकेटिव सिस्टम। क्या बोला इन्होंने, एक लाइन जो समझने वाली है, इन्होंने क्लेम किया, ही क्लेम उन्होंने बोला कि प्रोटीन कैटालिटिक सिस्टम
प्रोटीन कैटालिटिक सिस्टम मस्ट हैव डेवलप्ड बिफोर न्यूक्लिक एसिड. और रेप्लिकेटिव सिस्टम इनकी कहने की मतलब ये थी बात कि भाई प्रोटीन कैटालिटिक सिस्टम पहले डेवलप हो गया था कंपेरेटिवली टू आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड या रेप्लिकेटिव सिस्टम से पहले. ठीक है, अब देखिए सिडनी फॉक्स ने बोला कि अगर हम ड्राई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को ले लेते हैं, ड्राई मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड को ले लेते हैं और इसको अगर हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद में देखेंगे जब ठंडा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे. अपने आप में इन्होंने एक अलग बात बताई थी. ऐसे ही इन्होंने बोला कि अगर यहां पर फैटी एसिड्स आपस में मिलके फैट्स बनाएंगे, और ऐसे ही इन्होंने बोला कि सिंपल सुगर्स जो हैं वो सुगर्स क्या करेंगी, सिंपल सुगर्स हीट करके पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे. ये सारी बातें इनके एक्सपेरिमेंट में डिजाइन थी, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया और चीजों को बहुत जो है कंटिन्यूली इन्होंने जो है समझाया. तो यहाँ पर आप देखोगे सुगर से पॉलीसेकेराइड बन गया है ना, फैटी एसिड से फैट्स बन गया ग्लिसरॉल मिला के, अमाइनो एसिड आपस में मिलके क्या बनाए, प्रोटीन्स बना ली, पॉलीपेप्टाइड बना ली, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस सुगर, सुगर का भी फॉर्मेशन हो चुका था, और फॉस्फेट, इन्होंने मिलके अब क्या बनाया, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड्स बना ली, और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बना लिए बच्चों, तो आप बोलोगे इनसे न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, आप बोलोगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद में इन सारी चीजों का फॉर्मेशन. चलिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो आप करिएगा उसको. अब हम देखेंगे जो ये सारा सिस्टम बना, पहले एटॉमिक फेज आया, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ, और उसके बाद में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे मिलर का एक्सपेरिमेंट. मिलर ने इन चीजों को समझाया, बताया और उसके सपोर्ट में एविडेंस दिए कि किस तरीके से जो है ये बातें सही. मिलर के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं. एक सेटअप बनाया मिलर ने, तो स्टैनले मिलर 1953 में ये जो है कॉन्सेप्ट दिया. देखिए एक्चुअल में इसको बोलते हैं यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कुछ इस तरीके का सेटअप था ये मिलर का.
इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस डायग्राम आप एनसीईआरटी का ही फॉलो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम से क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछता है। ये कुछ सेटअप था, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोड दे रखे थे। अब देखिए यहाँ नीचे इन्होंने क्या दे रखा था, बर्नल दे रखा। क्या था इलेक्ट्रोड? स्टैनले मिलर इन 1953 जब बात चल रही थी मॉलिक्यूलर लेवल की बहुत ज्यादा, तो स्टैनले मिलर जो थे उन्होंने भी एक बात बोली, जब इवोल्यूशन की थ्योरी को भी साथ में लोग स्टडी कर रहे थे और उन्होंने प्रूफ किया कि केमिकल इवोल्यूशन बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि जो लाइफ बायोलॉजिकल लाइफ आई है वो कहीं ना कहीं केमिकल से आई होगी और उसी को नाम दिया गया केमिकल इवोल्यूशन। क्या किया इन्होंने, ये जो इलेक्ट्रोड्स थे नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस पे ये काम कर रहे थे, यहां पर इन्होंने एक मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर में क्या था, उसमें था मीथेन, अमोनिया, वाटर। ओके, अब देखो इन्होंने इस इन गैसेस को और वाटर को किस कॉम्बिनेशन में लिया उसको समझते हैं। तो इन्होंने वाटर से H2 निकाला, वाटर से क्या लिया, H2 लिया, तो इनका जो रेशियो था वो क्या था गैसेस का, तो आप देखोगे यहाँ गैसेस का रेशियो लिया इन्होंने, किस रेशियो में लिया, तो आप बोलोगे 2:1:1। तो जो H2 लिया इन्होंने वाटर से वो एक रेशियो था, ये एक रेशियो था, और ये वाला जो आपका था वो 2:1:2, तो 2:1:2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर H2 को 2 कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो 2:1:2 ये रेशियो था, और इन्होंने क्या किया, सर्कुलेट किया मिक्सचर को इस पूरे सिस्टम में। क्या किया इन्होंने, इस मिक्सचर को, जो मिक्सचर था उसको क्या किया बच्चों, सर्कुलेट किया। एक वीक तक, और जब एक वीक तक इन्होंने सर्कुलेट कर लिया उसके बाद इन्होंने क्या पाया, क्या फाउंड हुआ इनको, क्या मिला इनको, तो देखिए इनको क्या क्या चीजें मिली। तो वहां पर जो कुछ अमाइनो एसिड मिले उनका नाम देखते हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा बेटा एस्पार्टिक एसिड, ये सारी चीजें मिली। और क्या मिला, यूरिया मिली, HCN मिला, एसिडिक एसिड मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको देखने को मिली। तो ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि हाँ कहीं ना कहीं जो आप बोलोगे कहीं ना कहीं जो चीजें हैं केमिकल से ही मिलके बनी, क्योंकि अमाइनो एसिड इन्होंने बना लिया, अमाइनो एसिड बना लिया तो प्रोटीन बननी ही बननी है, कैटालिटिक प्रोटीन बनेंगी, और कैटालिटिक प्रोटीन बनेगी तो उसके बाद कैटालिसिस भी करवाएंगी, तो बहुत सारे क्या होंगे आपके न्यूक्लिक एसिड भी काम करने लगेंगे। तो इस तरीके से मिला एक्सपेरिमेंट को बहुत वहां पर फेम मिला उस टाइम पे, और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बताया। ठीक है, आज भी हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इवोल्यूशन के लिए बेहतरीन एक्सपेरिमेंट। अब केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ क्योंकि सारी बातें हमें समझ में आ गई कि एटॉमिक फेज से कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, सिंपल मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैसे बने ऑर्गेनिक। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या जो दूसरा हमारा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या हम लोग उसी को दूसरे नाम से जानते हैं बायोजेनिक, क्योंकि केमिकल तो हमने देख लिया। अब देखिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोजेनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर बायोजेनी में। एक सेल्स हैं जिनका नाम है प्रोटोबायोंट सेल। और हम दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रोटोसेल्स। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ प्रोटोसेल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत कम बताया गया है। एक्चुअल में ये क्या है बच्चों? लैब प्रोडक्ट हैं, लैबोरेटरी प्रोडक्ट हैं। और ये लैबोरेटरी प्रोडक्ट जो थे वो यानी कि किसी ने सिंथेसाइज करवाए, यानी कि किसी ने लैब में बनवाए, ठीक है। और उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया कि भाई लाइफ भी जो है इसी तरीके से बनी हुई। तो एक आप पढ़ोगे कोएसर्वेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कोएसर्वेट्स। और दूसरा आप पढ़ोगे कोएसर्वेट्स के बाद में माइक्रोस्फीयर। कोएसर्वेट और माइक्रोस्फीयर, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनकी बात करते हैं। ओपेरिन ने बताया कोएसर्वेट्स के बारे में 1920 और माइक्रोस्फीयर को जो अभी मैंने बताया था नाम सिडनी फॉक्स, उन्होंने बताया था कब? बहुत टाइम लिया उन्होंने, 1958 में बताया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला कि जो कोएसर्वेट्स हैं वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे हैं? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन्होंने भी सेम बात बोली कि ये भी क्या हैं? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। माइक्रोस्फीयर भी कैसे हैं? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद में देखिए अगली बात इन्होंने बोला कि दे कंसिस्ट कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने क्या बोला कि कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और माइक्रोस्फीयर ने भी बोला कि भाई यहां पर क्या है माइक्रोस्फीयर के अंदर? इट आल्सो कंसिस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड प्रेजेंस ऑफ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इन्होंने थोड़ा यहां पर चेंज किया, ये सारी चीजें तो पाई ही जा रही थी, लेकिन इन्होंने यहां पर एक बात और ऐड की। इन्होंने क्या बोला कि यहां पर ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स ही तो थे सारे जो मैंने भी लिखे हैं पीछे, ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बट देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ, इन्होंने थोड़ा गेम खेल दिया, अ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इनके पास में केमिकल्स के बाहर की सतह पे क्या था? अ माइक्रोमोलिक्यूल, ऑल माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ डबल डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। लेकिन एक्चुअल में इस डबल मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट नहीं था। तो आप लिखोगे लिपिड नॉट प्रेजेंट, लिपिड प्रेजेंट नहीं था वहां पर, यह बात बोली। चलिए समझते हैं थोड़ा और इन दोनों को, माइक्रोस्फीयर और जो है कोएसर्वेट्स। अगले पॉइंट में ओपेरिन ने बोला कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं एक्युमुलेटेड हैं और सराउंडेड बाई हैं एक फिल्म वाटर मॉलिक्यूल के। समझते हैं इन्होंने क्या बोला। ये इन्होंने बोला कि भाई ये मान लो ये कोएसर्वेट्स हैं, ये कोएसर्वेट्स हैं, ये केमिकल मॉलिक्यूल हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। और ये मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं वो सराउंडेड हैं किससे? वाटर की एक फॉर्म लेयर से, एक पतली सी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। और इनके ऊपर जो बच्चों आप देख रहे हो ये कवरिंग, ये किसकी है? कवरिंग ऑफ
फॉर्म आप लिख सकते हो कवरिंग ऑफ, है ना, फिल्म भी बोल सकते हो, एक जो है फॉर्म फिल्म की कवरिंग है, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई है, इट फॉर्म बाय द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल आसपास में उसके घूम रहे थे और उसको कवर कर, और इनके पास एबिलिटी थी, इसकी एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज। तो अपने साइज में भी ये क्या होते थे, इंक्रीज कर जाते थे, बढ़ जाते थे। सिडनी फॉक्स ने देखिए क्या बोला, इन्होंने बोला, सिडनी फॉक्स को मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, इन्होंने क्या बोला कि यहां पर जो है जो अमाइनो एसिड्स होंगी, जो अमाइनो एसिड्स होंगी वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी। इन्होंने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया, इन्होंने बोला क्या, डिहाइड्रेट हो जाएंगी 180 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनको नाम देंगे हम प्रोटीनॉइड्स। क्या नाम देंगे, प्रोटीनॉइड्स नाम देंगे। प्रोटीनॉइड्स जो थे एक्चुअल में कंसिस्ट कर रहे थे ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीनॉइड्स को कोई पूछता है क्या था, तो आप बोलोगे कंसिस्ट्स ब्रांच्ड चेन, ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड को कंसिस्ट कर रहे थे प्रोटीनॉइड्स, ठीक है। अब देखिए इन प्रोटीनॉइड्स को रखा गया कहां पर, बॉयल वाटर, इनको कहां डाल दिया गया, बॉयल वाटर में रखा गया, बहुत बॉयल वाटर में रखा गया 100 डिग्री के आसपास, 120 के आसपास। और ये प्रोटीनॉइड को बॉयल वाटर में रखने के बाद में क्या किया गया, स्लोली स्लोली क्या किया गया, ठंडा किया गया, स्लोली अलाउ टू कूल। वैसे ही समझ लीजिए जैसे हम क्या करें, जो है मैगी को डाल दें उबलते हुए पानी में और उसके बाद में उसको उतार के आराम से ठंडा होने, ठीक है। तो स्लोली अलाउ टू कूल, धीरे धीरे उसको ठंडा किया गया, और जब ठंडा किया गया तो हमें क्या मिल गया, इन्होंने बोला कि हमको मिल गया माइक्रोस्फीयर। लेकिन एक बात मैंने बोली कि यहाँ पर अभी भी नॉन लिविंग सेल्स थी ये, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी पीछे मैंने आपको स्टेटमेंट बताए हैं कुछ लिख के, एनसीईआरटी की लाइन जो बोलती है उसके बारे में बताया है मैंने कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो एंड लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो दोनों को कोरिलेट कीजिएगा आप, अर्थ का फॉर्मेशन 4 से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, उसके बाद आप देखोगे करीब 1 बिलियन ईयर्स ऐसे ही चला गया, और उसके बाद क्या हुआ, ओरिजिन हुआ किसका, आप बोलोगे नॉन सेलुलर सेल्स का, और फिर लाइफ अपीयर कब हुआ, तो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जब बन गई उसके लगभग 500 मिलियन ईयर्स के बाद में क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इन सब बातों को बताने के बाद में सिडनी फॉक्स ने और क्या बोला, समझ माइक्रोस्फीयर के बारे में कुछ बातें की गई। इन्होंने बोला कि दे हैव, जो माइक्रोस्फीयर हैं, दे हैव, ये माइक्रोस्फीयर में ही आप नोट करिएगा, कैपेबिलिटी, क्या कैपेबिलिटी, टू मूवमेंट, मूव कर सकती थी, मूवमेंट के अलावा ग्रोथ कर सकती थी, ग्रोथ के अलावा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के अलावा आप बोलोगे बडिंग कर सकती थी, और बडिंग के अलावा आप बोलोगे फ्रेगमेंटेशन। यानी कि यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिला होगा। कुछ जो है इन्वेस्टिगेटर्स का मानना भी ये था कि
जो माइक्रोस्फीयर हैं उनको फर्स्ट लिविंग सेल्स बोलना चाहिए। तो सम इन्वेस्टिगेटर्स क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्फीयर कैन बी कंसीडर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों हम चलते हैं बायोजेनी के दूसरे फेज में। पहले हमने देख लिया क्या बन गई हमारी सेल्स, बनी कौन सी, प्रोटोबायोंट्स। कैसे बनी, क्या हुआ, सब मैंने समझा दिया है आपको। अब क्या हुआ, इन प्रोटोबायोंट सेल से जो दूसरा नंबर आया वो किसका था, इन प्रोटोबायोंट सेल से ही क्या बनी, ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। चलो भैया, बन गई प्रोकैरियोट्स। समझते हैं इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट एक बार फिर से आपके साथ में। तो प्रोटोसेल्स जो बनी, यहां समझते हैं, प्रोटोसेल्स जो बनी करीब करीब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इन सी, जो प्रोटोसेल बन गई उनके लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, अगर सी में बात करोगे आप, यही प्रोटोसेल्स किसमें कन्वर्ट हो गई, तो आप बोलोगे प्रोकैरियोट्स। इसमें चेंज हो गई प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी कैसा था, एनारोबिक था, यानी कि फ्री ऑक्सीजन अभी भी नहीं थी हमारे पास। तो जो एटमॉस्फेयर था, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एटीएम जो था, एटमॉस्फेयर था, वो कैसा था बच्चों, एनारोबिक, यानी कि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन अब्सेंट। ठीक है, चलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सा, आपको याद रखना है बस कौन सा, स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थी। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ओल्डेस्ट फॉसिल है ये। अब देखिए इसके बेसिस के बाद में जब आगे हम बढ़े, तो हमने बोला कि इस तरीके से प्रोटोसेल्स बन गई, किसमें चेंज हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल्स में चेंज हो गई। अब समस्या आई थी न्यूट्रिशन, तो अब यहां पर जो इवोल्यूशन हुआ वो तीसरा पार्ट जो था प्रोकैरियोटिक सेल बनने के बाद में, वो क्या था, इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे हम लोग, जो सेल्स बनी थी वो कौन सी थी, तो आप बोलोगे बच्चों हेटरोट्रॉप्स। सबसे पहले कौन सी बनी, हेटरोट्रॉप्स, जो अभी हम पीछे बता रहे थे, वो कौन सी सेल्स थी, हेटरोट्रॉप्स। और इनको बोल सकते हो आप अर्लीस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनका फॉर्मेशन हुआ कोइसर्वेट्स, और एनारोबिक रिस्पिरेशन ही शो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है कि आपको एनर्जी कहां से ये मिल रही थी इनको, तो ये जो एनर्जी ले रही थी वो कहां से ले रही थी, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, सबको आप कोरिलेट करके चलना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है और कहानी जो होती है, हाइपोथेसिस कहानी होती है, और कहानी में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो कहानी में मजा नहीं आता है। तो आप कहानी को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके चलिएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पर एनर्जी जो थी हेटरोट्रॉप्स कहाँ से लेते थे, तो आप बोलोगे दे ऑब्टेन एनर्जी, कहाँ से लेते थे, ऑब्टेन करते थे अपनी एनर्जी को कहाँ से, ऑब्टेन एनर्जी बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे पड़े हुए थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
फ्रॉम सी ब्रोथ, जो सी का न्यूट्रिटिव मीडिया था वहां से ये क्या कर रहे थे, फर्मेंटेशन करा रहे थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का और उससे एनर्जी को ले रहे थे। अब क्या हुआ, एनर्जी लेते चले गए, हेटरोट्रॉप्स का नंबर बहुत बढ़ गया, नंबर इंक्रीज कर गया हेटरोट्रॉप्स का। अब समस्याएं और बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जब नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूट्रिटिव मीडिया कहीं ना कहीं घटेगा, कम हो जाएगा। तो जब नंबर इंक्रीज किया तो बच्चों आप बोलोगे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो क्या हुए, कम हो गए, रैपिड इंक्रीज हुआ इनका। और रैपिड इंक्रीज होने की वजह से न्यूट्रिएटिव मीडिया जो ब्रॉथ था उसमें क्या था, न्यूट्रिएंट्स जो थे वो डिक्रीज कर गए, खाने वाले ज्यादा कमाने वाले कम। अब क्या हुआ, इनमें से कुछ बंदे आए और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, कहा कि नहीं हम भी कुछ करेंगे, क्या करेंगे। तो इनके अंदर थोड़ा म्यूटेशन देखने को मिला, क्योंकि इनको जिंदा रहना था, इनको आगे प्रकृति को बनाना था, इनको आगे जाके स्पीसीज को बनाना था, इनको आगे जाके एनिमल सेल्स को बनाना था, इनको आगे जाके पूरे किंगडम को डेवलप करना था, अलग अलग किंगडम को डेवलप करना था। तो हेटरोट्रॉप से क्या बन गए, आप बोलोगे ऑटोट्रॉफिक बन गए। और ऑटोट्रॉफिक जो प्रोकैरियोट्स से वो बन गए, उनके सामने एक समस्या थी, अगर नहीं बनते तो क्या करते, मर जाते, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती और लाइफ कभी भी पूरी तरीके से जो आज हम बैठे हैं वो ना बैठे होते, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस। तो हेटरोट्रॉप्स जितना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसका रैपिड जब नंबर इंक्रीज गया हेटरोट्रॉप्स का, तो न्यूट्रिएटिव मीडिया घटने लगा, कम होने लगा न्यूट्रिएंट्स, जिसके वजह से उनमें कुछ जो थे उनके नंबर्स में म्यूटेशंस हुए और वो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स बन गए। अब प्रोकैरियोट्स जो बने वो भी बच्चों दो तरीके के बने, एक प्रोकैरियोट्स बनी जिनको हमने बोला कीमो ऑटोट्रॉप्स, एक एक चीज को कोरिलेट करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, नहीं तो सारी चीजें इरिलेवेंट लगेंगी आपको, ठीक है। माइंड में सोचना है आपको कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि गलत है, क्योंकि जो भी बातें साइंटिस्ट लोगों ने बताई वही सब हम सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इन ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट से बने कीमो ऑटोट्रॉप्स, और कीमो ऑटोट्रॉप्स बनने के बाद में आप देखोगे एक और बने, उनको बोला गया फोटो ऑटोट्रॉप्स। आप सबको पता होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स, सब पता है। चलिए अगले पेज पे चलते, समझते हैं कीमो ऑटोट्रॉप को और जो आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो इंडिविजुअल्स थे टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा, कम हुआ टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर कम हुआ तो बच्चों इन्होंने क्या किया, देखिए इनकी क्रियाकलाप देखिए, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टॉप कर दिया नीचे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा था रिएक्शन को कराने के लिए वो खत्म हो गया सी के अंदर। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ, टेम्परेचर कम हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टॉप, बंद हो गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना। और जब बंद हो गए तो प्रोकैरियोट जो थे, जो पीछे वाले थे वो प्रोकैरियोट हेटरोट्रॉप्स, वो थोड़ा चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी को। तो सम अर्ली प्रोकैरियोट्स क्या बन गए, अब बोलोगे सम अर्ली प्रोकैरियोट्स गेट कन्वर्टेड इन किसमें, तो आप बोलोगे कीमो ऑटोट्रॉप्स।
इसमें चेंज हो गए, कीमो ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, अब समझ। कीमो ऑटोट्रॉप जो थे वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट हुई वहां पर और एनर्जी रिलीज हुई और जिसकी वजह से फूड का फॉर्मेशन हुआ और CO2 रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में और इस तरीके से एनएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स का फॉर्मेशन। यहां पर हम लिख लेंगे एन एरोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स। समझते हैं इस बात को जो मैंने अभी बोला। मैंने बोला कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ऑर्गेनिक तो भाई खत्म हो रहे थे, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स थे क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, रिएक्शन हो नहीं पा रही थी, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिकल्स तो प्रेजेंट ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो थी वो प्रेजेंट थी, वो हो रही थी एंड एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को यूज कर लिया गया, यूज्ड इन फूड फॉर्मेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स थे ये, वो जो एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉफिक थे, इन्होंने क्या किया, यूज कर लिया इसमें फूड के फॉर्मेशन। और जैसे ये रिएक्शन हुआ उसके वजह से क्या हुआ, CO2 जो थी वो रिलीज हुई कहां पर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या थे आपके एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स। क्या थे? एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स। आप समझिए ये कीमो ऑटोट्रॉप्स का काम था, ये कर रहे थे, लेकिन कुछ जो इंडिविजुअल ऑटोट्रॉफिक में बने थे कीमो ऑटोट्रॉप्स बने थे और कुछ क्या बने थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स की स्ट्रेटेजी क्या थी, देखिए फोटो ऑटोट्रॉप्स जो बने वो कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद में बने। यहां पर उन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन हुआ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, इनके अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशंस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बन गया तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या सिंथेसाइज किया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर लिया और इनको हम लोगों ने बोला क्या, एनएरोबिक क्या थे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि अभी भी यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था तो वो रिस्पायर ऑक्सीजन से नहीं कर रहे थे, वो एनारोबिक जो है जिंदगी जी रहे थे और फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला गया। और एक बात और, ये वाटर को यूज नहीं कर रहे थे एज अ हाइड्रोजन सोर्स, याद रखिएगा, दे डिड नॉट यूज वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स। तो हाइड्रोजन सोर्स की तरह ये वाटर को बिल्कुल पता ही नहीं यूज कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इन्हीं से क्या हुआ, कुछ एनिमल्स आए निकल के, यहां तक कहानी कंप्लीट थी। ये थी किसकी, देखिए थोड़ा है कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर लगेगा आपको, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स की। अब जो कुछ एनिमल्स और सारे थे ये तो यूज नहीं कर रहे थे वाटर को एज अ हाइड्रोजन सोर्स, लेकिन इन्हीं से कुछ इंडिविजुअल निकल के आए और वो एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स बोले गए। क्या बोले गए, कुछ ऐसे एनिमल्स आए जिनको क्या बोला गया, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब जो ये आप बोलोगे एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स थे, इनकी कहानी क्या थी,
समझते हैं बच्चों, सीक्वेंस वाइज में फॉलो करते रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर जो एरोबिक थे, अब आपके ब्रेन में धीरे धीरे चीजें अच्छे से इंसर्ट होने लगी होंगी कि किस तरीके से एनिमल का फॉर्मेशन होगा। तो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स समझते हैं, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स वाटर को यूज करने लगे एज अ हाइड्रोजन सोर्स। अब कहानी फिट हो गई, वाटर यूज्ड एज अ हाइड्रोजन सोर्स। ठीक है, और CO2 भी यूज करने लगे। CO2 की तो प्रॉब्लम थी नहीं हमारे पास, CO2 तो निकाल लेते भाई लोग ना उधर पीछे से, पीछे वाले एटमॉस्फेयर में। अरे किमोटोट्रॉप्स निकाल नहीं रहे थे भाई, तो करना क्या उसको, CO2 को ये यूज करने लगे। CO2 यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। लो काम बन गया इनका भाई। अब देखिए साथ में समझ में आना चाहिए आपको कि सोलर एनर्जी तो था ही, सोलर सिस्टम तो बन ही चुका था, और इन्होंने क्या किया, क्लोरोफिल भी था इनके पास। लो भैया बन गई बात, सिंथेसाइज कर दिया क्या पता है यार, कार्बोहाइड्रेट। लो बना दिया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये थे आपके एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सीक्वेंस समझिएगा, कीमो ऑटोट्रॉप्स या शुरुआत से समझिएगा, नॉन लिविंग सेल्स, कोसर्वेट्स, माइक्रोस्फीयर, उसके बाद में मैंने क्या बोला जो है आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद में आपके क्या थे, है या ऐसे बोल सकते हैं हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स में क्या थे कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप के बाद में आपने देखा क्या थे फोटो ऑटोट्रॉप, और फोटो ऑटोट्रॉप में पहले क्या थे एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद क्या है एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। कार्बोहाइड्रेट बन गया, चलिए खाने की व्यवस्था हो गई इनकी। एग्जाम्पल समझिए, क्या थे एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया आपका फेवरेट, खूब पढ़ाया आप लोगों ने 11th में। साइनोबैक्टीरिया, इनके पास क्या था ये भी पता है आपको, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बच्चों इनका फॉर्मेशन कब हुआ होगा ये एक है क्वेश्चन। तो आप बोलोगे 2.5 बिलियन ईयर्स से। ये बेटा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से मैच कर पाओगे, तभी समझ पाओगे आप ये हाइपोथेसिस। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। 2.5 बिलियन ईयर से गो फॉर्मेशन हो गया साइनोबैक्टीरिया का, जिनको एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला गया। नंबर ऑफ इनका साइनोबैक्टीरिया का इंक्रीज करता चला गया, ऑटोट्रॉफिक इंडिविजुअल्स का इंक्रीज करता चला गया, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स का। और जब नंबर इनका इंक्रीज करता चला गया नंबर किसका, साइनोबैक्टीरिया या एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स का, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया कहां पर, इन एटमॉस्फियर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जब इन्होंने रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, तब देखिए क्या हुआ। तो आप बोलोगे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गया, और फ्री ऑक्सीजन जब मिलने लगा एटमॉस्फेयर में तो कहानी और बढ़िया हो गई, फ्री ऑक्सीजन रिएक्ट करने लगा इसके साथ में, रिएक्ट विद द, ये हमारे है ना दो भाई लोग, क्या मीथेन एंड अमोनिया। अब जब रिएक्ट कर गया तो कहानी देखिए क्या होगी आगे, रिएक्ट कर गया। चलिए रिएक्शन करवा देते हैं इसी बहाने, हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री भी देख लेते हैं। मीथेन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया मैंने, क्या बना बच्चों CO2, क्या बना बच्चों वाटर बना। भाई करवा दो सिंपल सा एकदम, कुछ उसमें करना नहीं है, बैलेंस आप लोग कर ही लोगे। चलो मैं ही करे दे रहा, ये हो गया। ठीक है, लो हमें चाहिए क्या था, जो चाहिए था मिलने लगा सर, अमोनिया को लो पकड़ो, अमोनिया को लिया हमने, वाटर को लिया हमने, फिर हमने क्या किया, इनसे क्या बना N2 बना, प्लस क्या बना
6H2O बन गया। ले भैया ये भी बन गया, बैलेंस कर लो इसको, 6, 2, 3 और ये हो जाएगा 4। ले बन गया भाई, CO2 भी बन गया और ये बन गया। ये चाहिए ना प्लांट को, जिंदा कैसे रहेगा भाई बिना नाइट्रोजन के। अब ऑक्सीजन निकाले जा रहे थे, ये लोग निकाले जा रहे थे, और ऑक्सीजन जब निकाल ही रहे थे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगी एटमॉस्फेयर में। क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्युमुलेट होने लगेगी, और जब एक्युमुलेट होगी तो बच्चों क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो आप बोलोगे ऑक्सीजन एक्युमुलेटेड इन एटमॉस्फेयर, और जैसे एक्युमुलेट होगा यहां पर यूवी लाइट तो है ही है हमारे पास, यूवी रेस तो है ही, और क्या बन जाएगा, ये लो बन गया भाई आपका फेवरेट ओजोन, ओजोन लेयर बन गया पूरा। ठीक है, अब ओजोन लेयर बन गया तो भाई प्रोकैरियोटिक तो मौज कर रहे थे, और प्रोकैरियोटिक की मौज के बाद में अब यूकैरियोटिक आएंगे। ठीक है, तो चौथे नंबर के बाद में अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स की ओरिजिन देखते हैं कब, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी, जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स थी वो बच्चों चेंज होके क्या बन गई, यूकैरियोट्स बन गई। आप लोगों में ये थ्योरी नहीं दिया हुआ कैसे बन गई, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एक थ्योरी आई थी, कौन थी, सिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोटिक थ्योरी है ना, और ये थी सिम्बायोटिक ओरिजिन की थ्योरी, और किसने दिया था इनको, मार्गुलिस ने। आपके सिलेबस में है नहीं, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से इसको बताता, तो आप लोगों का मन करे तो पढ़ लेना, आप लोग कहीं से नेटवर्क पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स के बाद में यूकैरियोट बन गए आपके, कैसे बने वो आप लोग ये थ्योरी पढ़ना तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये केमिकल एवोल्यूशन, ये इस तरीके से क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा बता ही देता हूँ सिम्बायोटिक थ्योरी में, जिससे आपका थोड़ा रुचि बने रहे, है ना, नहीं तो आप कहोगे लो सर तो ऐसे ही निकाल दिए। चलिए देखिए, हुआ क्या, यहां पर एटमॉस्फेयर में हमने बोला कि एनएरोबिक प्रीडेटर्स होस्ट थे। ठीक है, ये सेल्स थी। ठीक है, अब जो प्रीडेटर सेल्स थी, एनएरोबिक प्रीडेटर होस्ट सेल थी। ठीक है, ये ऐसे बना, मार्गुलिस ने देखो कितना दिमाग लगाया भाई इस बंदे ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, प्रीडेटर सेल्फ इनगल्फ की, इन्होंने प्रिमिटिव एरोबिक बैक्टीरिया, समझिए इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव एरोबिक बैक्टीरिया इनको खाया, और इन्होंने जैसे इनको खाया तो ये आपस में रह के क्या किया, इन्होंने यूकैरियोटिक एनिमल सेल बना लिया। अब दूसरी तरफ देखिए क्या किया, कुछ प्रीडेटर सेल्स ने क्या किया, इनको भी खाया, प्रिमिटिव एरोबिक बैक्टीरिया को भी खाया, और इन बैक्टीरिया के साथ साथ में इन्होंने और किसको खा लिया, और डाइजेस्ट कर लिया, किसको, और डाइजेस्ट कर लिया ब्लू ग्रीन एल्गी को। बहुत भाई होशियार बंदा था, देखो पूरा क्लोरोफिल भी ला दिया उठा के, और माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी कॉन्सेप्ट उधर से पूरा ले लिया इसने। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल एनिमल की क्वालिटी, और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट की क्वालिटी, दोनों को इसने खा लिया एनारोबिक प्रीडेटर सेल्स ने। और जिन
होस्ट सेल्स ने दोनों खाया था, वो जाके किसमें चेंज हो गए, उन्होंने बना लिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल। लो भैया प्लांट सेल भी आ गई, एनिमल सेल भी आ गई, लो कहानी खत्म। अब आपको सब पता है कैसे क्या हो, आगे हम पढ़ेंगे सब बताएंगे आपको। चलिए आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया लेकिन जरूरी था एक साथ में इसको, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी मैंने दी आपको, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एक टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।